हाय दोस्तों, आज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो एक क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो इसमें से देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा है श्रीलंका, और तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है नेपाल। तो इसमें से इंदिरा पॉइंट जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। तो इस समय भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो है कि वहाँ प्रशासन केंद्र सरकार का चलता है, इसीलिए उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही इंदिरा पॉइंट है, जो कि बहुत ही दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे शायद कि अंडमान निकोबार में ही एक सेलुलर जेल है, जहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में काले पानी की सज़ा दिया जाता था। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, बीडी सावरकर, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उनको अंग्रेज़ों ने 1857 में काले पानी की सज़ा दे दिया था, वहीं सेलुलर जेल में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। आपको जानकारी यह फैक्ट जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।